Welcome everyone. I Dr. Anjali Ssaxena welcome you all. Dear learners, आज हम study करने जा रहे हैं कि क्या difference है microwave of infrared spectroscopy के बीच में. तो हमने दोनों में देखा कि दोनों में same सा dipole moment अगर कोई compound या molecule show कर रहा है, तो वो microwave active भी था, infrared में भी हमने यही पढ़ा था. तो क्या difference है infrared spectroscopy के बीच में? यही हम समझने जा रहे हैं. तो आइए समझते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. डियर स्टूडेंट, अगर बात करें माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो जो भी हमें स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहा है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहा है, और पूरे एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल के कारण वो जनरेट हो रहा है इन केस ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी. जबकि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो भी स्पेक्ट्रा जनरेट हो रहा है वो फंक्शनल ग्रुप के एब्जॉर्प्शन के कारण हो रहा है. जो भी रेडिएशन हमारा फंक्शनल ग्रुप एब्जॉर्ब या ट्रांसमिट कर रहा है उसके कारण वो स्पेक्ट्रा जनरेट हो रहा है. सेकेंडली, हम बात करें अगर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो ये कंडीशन है कि जो हमारे कंपाउंड हैं जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं वो गैसियस स्टेट में होने चाहिए. जबकि इन केस ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी वो चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैसियस हो, उनकी स्टडी कर सकते हैं. जो रिजोल्यूशन ऑफ लाइन है वो माइक्रोवेव में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंफ्रारेड. माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा जो ऑब्जर्व होता है वो नियरली ऑलवेज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, बट इन केस ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी वो एब्जॉर्प्शन या इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रा के कारण जनरेट होता है. तो यही है बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहां हमने ये चार डिफरेंस समझे कि पूरा मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो कर रहा है माइक्रोवेव में, जबकि फंक्शनल ग्रुप शो करता है इंफ्रारेड में. गैसियस स्टेट में होना चाहिए मॉलिक्यूल जिसकी स्टडी हम कर रहे हैं कंपाउंड, वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में, फेस कोई भी हो तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में. रिजोल्यूशन ऑफ लाइन ज्यादा होगा माइक्रोवेव में एज कम्पेयर टू इंफ्रारेड. जो स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होगा वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा, जबकि इन केस ऑफ इंफ्रारेड वो एब्जॉर्प्शन या इमिशन स्पेक्ट्रा शो कर सकते हैं. सो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा, और हम अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है या आप कोई और टॉपिक पे समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच एवरीवन.